बड़ी खबर ग्वालियर से है। कोरोना के खतरे को देखते हुए ग्वालियर के जीआर मेडिकल कॉलेज ने इंटर्नशिप कर चुके 114 डॉक्टर को 3 माह की नियुक्ति दी थी ताकि मरीजों को उपचार में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, लेकिन कोरोना के डर की वजह से इनमें से 50 डॉक्टर्स ने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है और शासन के आदेश में इच्छुक शब्द के बहाने इस्तीफा दे दिया है। कोरोना से लड़ाई में संसाधन के साथ फैकल्टी की कमी भी बड़ी परेशानी बनी हुई है। इसी कमी को दूर करने के लिए शासन ने आदेश दिए थे कि वह इंटर्नशिप पूरी कर चुके डॉक्टर्स को 3 माह की नियुक्ति पर रख सकते हैं। इसमें वह डॉक्टर भी शामिल थे जो दूसरे जिलों के मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत हैं। जीआर मेडिकल कॉलेज ने 114 MBBS डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र जारी किए थे। कुछ डॉक्टर ने तो तत्काल ज्वाइनिंग दे दी, लेकिन 50 डॉक्टरों ने लिखित में नौकरी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है या अपना इस्तीफा सौंप दिया है। सूत्रों की माने तो डॉक्टरों ने कोरोना से डर कर ही नौकरी से इनकार किया है। हालांकि सभी ने अपनी ज्वाइनिंग नहीं करने का कारण व्यक्तिगत बताया है। जीआरएमसी प्रबंधक द्वारा अब इस मामले में शासन से राय ली जा रही है। जीआर मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर केपी रंजन ने कहा कि इंटर्नशिप को 3 माह के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए थे। यह समय इनकी बॉन्ड अवधि में शामिल होना था, इसलिए इसे इस्तीफा नहीं कहा जा सकता। इच्छुक शब्द लिखा था, इसलिए 50 डॉक्टरों ने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। देखिए, 114 लोगों को हमने ज्वाइनिंग दिया था जूनियर रेजिडेंट पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 3 महीनों के लिए, जिसमें से 92 डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया था, इसमें से 50 लोगों ने रिजाइन कर दिया है। अब इसका कारण हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है, बट शासन के नियमानुसार उन्होंने रिजाइन किया है 50 लोगों ने, तो उनका हमने एक्सेप्ट किया है। और ये एस्मा भी सरकार ने लगा दिया है, एस्मा लगाने से पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अब हमारे पास जो भी रिजिग्नेशन आ रहा है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जीआरएमसी ने इन डॉक्टर्स को जयरोग अस्पताल, कमला राजा महिला एवं बाल चिकित्सालय और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में तैनात किया था, लेकिन तैनाती के सप्ताह भर के अंदर ही इन जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों में कोरोना का खौफ हो गया और धीरे धीरे 50 रेजिडेंट डॉक्टरों ने इस्तीफे दे दिए और अपने घर रवाना हो गए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।